खबर आप, सोनी न्यूज खबर आप। जेएनयू का ये वही कैंपस है जहां पर कभी देश विरोधी नारे लगे थे। ये वही कैंपस है जहां अफजल गुरु की शहादत दिवस मनाई गई थी। आज वही कैंपस वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा है। आज उसी कैंपस में अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों से हिसाब बराबर करने की बात की जा रही है। ये श्रद्धांजलि मार्च एबीवीपी के छात्रों द्वारा निकाला गया है। इस मार्च में जेएनयू के भी कई सदस्य थे। हाथों में तिरंगा लेकर पूरे गर्मजोशी से इनकलाबों की मांग की है। अब वक्त निंदा करने का नहीं, वक्त है आर पार का हिसाब चुकता करने का। कि भारत सरकार जल्द से जल्द जो हमारे शहीद हुए हैं जवान उनका बदला ले, क्योंकि यह केवल जेएनयू नहीं है, जो शहीद के परिवारजन है उनको हर संभव प्रयास, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी योजना बने कि पाकिस्तान को उसको आतंकवाद देश घोषित किया जाए। क्योंकि अब बहुत हो गया, यहाँ के जो बेटे हैं, जो देश के नाम है, वो जान देने के लिए नहीं बने हुए। मुझे लगता है कि कड़ी निंदा बहुत हो गई, हम शांति बहुत बना लिए। मुझे लगता है भारत सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो मुझे लगता है कि अभी ये जेएनयू कैंपस में हो रहे हैं, बाकी सभी कैंपस में हो रहे हैं, सड़क पे उतरेंगे हम, मार्च करेंगे। जिस परिवार को हम देखे थे उसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ है। आज हमें जरूरत है ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए जो देश के खिलाफ हमें देश के अंदर जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी प्रयास किया जाए जिसका बदला लिया जा सके, उसको भारत सरकार को चुकना नहीं चाहिए। और इसके लिए सभी जो दल हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पर राजनीति न करें और एकजुट होकर पूरा 125 करोड़ जनता एकजुट होकर एक ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि हम आने वाले दिन में एक मिसाल कायम कर सके। कोई भी भारत के खिलाफ जो खड़ा होगा या सोचने की बात करेगा उसका कम से कम 10 बार वो सोचे, उसका दिल धके। दिल्ली से हरिकिशोर साह की खास रिपोर्ट।